हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास थर्ड। लास्ट क्लास में हमने साइंस का लेसन नंबर 2 पार्ट्स ऑफ ए प्लांट एक्सप्लेन करा था बुक में ही। आज हम इसकी एक्सरसाइजेस कॉपी में करेंगे। सबसे पहले आप ए पार्ट डालेंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड इज द, वो पार्ट जो ग्राउंड के यानी जमीन के अंदर उगता है प्लांट का, वो कौन सा पार्ट होता है? सी, रूट यानी जड़। टू, विच ऑफ दीज प्लांट्स हैज ए टैप रूट, इनमें से किस प्लांट में टैप रूट होती है? बी, मस्टर्ड प्लांट। थर्ड, द पार्ट दैट प्रोवाइड्स वाटर टू द प्लांट इज द, प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि वाटर यानी पानी प्रोवाइड करता है प्लांट को? सी, रूट। रूट के जरिए हमारे पूरे प्लांट में पानी चला जाता है। फोर्थ, द स्टेम ऑफ ए डैश इज थिक, हार्ड एंड वुडी, किस की स्टेम जो है ठोस होती है, मजबूत होती है और वुडी यानी लकड़ी की होती है? बी है ट्री, ट्री की जो है स्टेम मजबूत होती है। फिफ्थ, ए प्लांट ब्रीथ्स थ्रू द, प्लांट किससे ब्रीथ करता है? डी, स्टोमेटा ऑन इट्स लीव, प्लांट में जो लीव्स में स्टोमेटा होता है उसके थ्रू प्लांट सांस ले पाता है। सिक्स, ए बर्ड ग्रोज इन टू ए, एक बर्ड किस में ग्रो कर जाती है? डी, फ्लावर, बर्ड जो है फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है बर्ड के ग्रो करके। बी पार्ट है राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट, मैंग्रोव ट्रीज ऑल्सो हैव रूट्स विच हैंग अबव द ग्राउंड, मैंग्रोव ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के ऊपर भी हमें दिखाई देती हैं, ट्रू। सेकेंड, हर्ब्स हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, हर्ब्स जो होते हैं छोटे प्लांट्स उनमें सॉफ्ट स्टेम होता है, मतलब कोमल तना होता है उनका और ग्रीन होता है, ट्रू। थर्ड, फ्लावर्स रिलीज एक्स्ट्रा वाटर इन टू द एयर, फ्लावर्स जो है एयर में एक्स्ट्रा वाटर रिलीज करते हैं, नो, फॉल्स। फोर्थ, सेपल्स आर द कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, सेपल जो है फ्लावर का कलरफुल पार्ट होती है, फॉल्स। फिफ्थ, वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स एंड पोटैटोज आर इन फैक्ट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हैं कैरेट और पोटैटो वो फ्रूट्स होती हैं, फॉल्स, ये वेजिटेबल्स होती हैं। सी पार्ट है आंसर इन वन और टू वर्ड्स। फर्स्ट, नेम एन अंडरग्राउंड स्टेम, एक अंडरग्राउंड स्टेम तना जो है वो कौन सा है? ओनियन। सेकेंड, वॉट इज द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ ए लीफ कॉल्ड, एक लीफ का फ्लैट मतलब चपटा हुआ और ब्रॉड पार्ट कौन सा कहलाता है? लैमिना। थर्ड, नेम द गैस गिवन आउट बाय लीव्स, लीव्स जो है कौन सी गैस बाहर छोड़ती हैं? ऑक्सीजन। फोर्थ, व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ ए सीड इनटू अ बेबी प्लांट कॉल्ड, एक बेबी प्लांट की जो ग्रोथ होती है सीड से वो क्या कहलाता है? जर्मिनेशन। फिफ्थ, व्हाट फ्रूट हैज सीड्स आउटसाइड इट, स्ट्रॉबेरी में जो सीड्स होते हैं वो उसके ऊपर ही होते हैं। डी पार्ट आंसर इन वन सेंटेंस ओनली। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द शूट, शूट से आप क्या समझते हैं? आंसर, ए बेबी प्लांट, शूट इज द बेबी प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम ए सीड, शूट जो है एक छोटा प्लांट है जो कि सीड से उगता है, एक बीज से उगता है। क्वेश्चन नंबर टू, Why does a climber need support to grow? एक क्लाइंबर को सपोर्ट की जरूरत क्यों होती है बढ़ने में? A climber's stem is very thin and weak. That's why it needs support to grow. एक क्लाइंबर का जो स्टेम होता है वो बहुत ही पतला होता है और कमजोर होता है, इसलिए उसे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, What are stomata? Stomata क्या होते हैं? Stomata are the tiny holes अंडर साइड ऑफ ए लीफ, स्टोमेटा एक छोटे छोटे होल्स होते हैं लीफ के अंदर ही, इसके द्वारा लीफ अपनी सांस ले पाती हैं, ब्रीथ आउट कर पाती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डज लीव्स हेल्प इन कॉजिंग रेन, लीव्स कैसे मदद करती हैं बारिश होने में? लीव्स रिलीज एक्स्ट्रा वाटर इन टू द एयर, देयर फोर इट हेल्प्स इन कॉजिंग रेन, लीव्स जो है हवा में एक्स्ट्रा वाटर छोड़ती हैं और जो कि जिससे कि हमारी रेन यानी वर्षा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, नेम अ फ्यू एडिबल सीड्स, कुछ एडिबल सीड्स के नाम
एडिबल मतलब खाने योग्य जो सीड्स होते हैं उनके नाम बताने हैं आपको। आंसर, फ्यू एडिबल सीड्स आर वीट, राइस, ग्राम एंड कॉर्न, यानी गेहूँ, चावल, चने और मक्का, ये सब एडिबल सीड्स होते हैं जो कि हम खाते हैं अपने खाने में। यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है, क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस फिनिश होती हैं। अब आपको एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस करनी है इसमें लेसन टू में ही, इस तरीके से आप अपनी ये कॉपी में करेंगे। सबसे पहले है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डालेंगे आप एक्सरसाइजेस, ए पार्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट, लीव्स आर कॉल्ड दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ दी प्लांट। लीव्स को हम फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट भी कहते हैं, यानी लीव्स हमारे प्लांट का खाना बनाती हैं इसलिए। सेकेंड, फ्लावर्स आर इन मैनी कलर्स। फूल जो हैं बहुत सारे कलर्स के होते हैं। थर्ड है आपका, द स्टेम हैज ब्रांचेस। एक तना जो होता है उसमें कई सारी ब्रांचेस होती हैं। फोर्थ, रूट्स कीप द प्लांट फिक्स्ड इन द सॉइल। रूट्स जो है प्लांट को सॉइल में ही फिक्स रखती हैं। नेक्स्ट बी पार्ट, ये है मैच द फॉलोइंग। अब आपको इसमें मैच करना है। फर्स्ट, वन सीड, एक सीड किस में होता है, मैंगो में। सेकंड, फाइबरस रूट, फाइबरस रूट किसकी होती है, राइस की। थर्ड, क्रीपर्स, क्रीपर्स प्लांट कैसा होता है, जैसे पम्पकिन प्लांट। फोर्थ, श्रब, श्रब प्लांट जैसे रोज। फिफ्थ, मैनी सीड्स मतलब बहुत सारे सीड्स किस में होते हैं, पपाया में। सी पार्ट है कंप्लीट द स्पेलिंग। अब आपको यहाँ पे स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। फर्स्ट है आर डबल ओ टी रूट, सेकंड एस टी ई एम स्टेम, थर्ड एल ई ए वी ई एस लीव्स, फोर्थ एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर। ये तीन आपकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस थी जो कि आपको ये सारा काम अपनी कॉपी में करना है और इसे अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू।